हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आप सभी का बिल्कुल स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब देखिए, आज हमारे घर न्यू न्यू गेस्ट आया है। आप सब बताइए कि कैसा है। ये मेरा बेटा है जो इसे ओपन कर रहा है। तो ये देखिए, ये 4 चूल्हे का गैस है, कांच वाला, ग्लास वाला जो गैस आता है। ये मैंने ले तो लिया था दशहरे के पहले, लेकिन इसकी ओपनिंग नहीं करी हुई थी। तो आज पूनम का दिन है, तो आज पूनम के दिन इसकी ओपनिंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी ओपनिंग कर लेते हैं और इस पर कुछ अच्छा सा मीठा सा बनाते हैं। और आज दिन भी अच्छा है क्योंकि आज पूनम है, गुरु जी की पूनम, शिंगा जी की पूनम, सभी गुरु जी की। तो इससे अच्छा दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता। और शरद पूर्णिमा, तो मैंने सोचा खीर बना लेते हैं आज इस पे। और ये देखिए, इसके साथ ये आया है चूल्हा एक अलग से। इसमें आप बड़ी भगोनी वगैरह, बड़ा जो बर्तन रहता है वो आप इसमें रख सकते हो आराम से। तो ये वो है, तो आप देखिए। और लाइटर भी नया है, नली भी नई है, रेगुलेटर भी नया है। तो आप सब बताइए कि आपको मेरा गैस कैसा लगा है, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी पूजा करेगी इसकी, आप सब देख सकते हो। तो यहाँ मेरी बेटी है, तो मैंने उसको बोला है कि तू पूजा कर ले, क्योंकि नई चीज़ घर में आती है तो हम सब नई चीज़ की तो पूजा करते ही हैं। तो ये नई चीज़ की पूजा हो रही है, क्योंकि घर में कुछ भी आता है तो नई चीज़ की पूजा करना ज़रूरी है ना। तो बस मैं अपनी बेटी के हाथ पूजा करवा रही हूँ इसकी। तो उससे बोला कि कुकू चावल सब चढ़ा के शाती आत्या बना देगी वो, उसके बाद हम उसकी ओपनिंग कर लेंगे। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग भी पूजा वूजा करते हो ना? और यार, नई चीज़ है तो हर इंसान ही पूजा करता है। एक छोटी सी चीज़ भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान और बड़ी होती है। चाहे आप 1 रुपये की चीज़ भी क्यों नहीं लो, हमारे लिए तो वो बड़ी ही चीज़ होती है ना। और नई चीज़ है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पूजा करना हम बनता ही है। और खुशी खुशी बहुत होती है अपने घर में, चाहे एक चक्कू नया क्यों नहीं है, खुशी तो होती है ना। आपने भी देखा होगा, एक चक्कू लेते हैं हम तो खुशी होती नहीं है, नया चक्कू है। तो बस वही है। तो मेरी बेटी को भी खूब खूब आशीर्वाद दीजिए। और प्लीज़ मेरा चिप पसंद आए तो कमेंट कीजिए, है ना, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और प्लीज़ पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, है ना। और जो नए लोग यदि देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। तो है ना, तो चलो बाय। और आप सब भी आइए।